इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इग्नू बोलते हैं। इग्नू के अंदर एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में 200 वैकेंसी निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। इन वैकेंसीज के लिए सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन 12th चाहिए और ये वैकेंसी आसानी से आप पा सकते हैं अगर आपके पास 12th है और थोड़ा बहुत रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, मतलब टाइपिंग वगैरह आपको आती है। चलिए तो आज की वीडियो में बात करते हैं इन वैकेंसीज को कैसे अप्लाई करना है, कब इसका नोटिफिकेशन आया था, क्या क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए। ऑलरेडी मैंने बता दिए और फर्दर मैं नोटिफिकेशन में देखकर बताऊंगा आपको क्या रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, कितनी फीस इसमें जमा करनी है, कौन सी लिंक पे जाके ये अप्लाई करनी है वैकेंसी। इन सारी बातों पर आज की वीडियो में बात करेंगे। बात करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग वीडियोस देखकर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर और ये वैकेंसी 200 वैकेंसी निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। और ये वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th चाहिए। अब ये नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा है तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा जो जो आपके काम की चीज़ें हैं। हालांकि इसमें NTA के बारे में भी दे रखा है और इग्नू के बारे में भी दे रखा है, बट मैं आपको मेन मेन चीज़ें इसमें समझाऊंगा। अब देखिए, जो ये आया था नोटिफिकेशन 22 मार्च 2023 को 10 बजे शुरू हुआ था ऑनलाइन इसका सबमिशन, और इसकी लास्ट डेट जो है 20/4/2023 को 11:50 पर है। और हेल्पलाइन कॉल सेंटर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इसमें दे रखा है। फीस में जो रहेगी अनरिजर्व, मतलब जनरल और OBC के लिए, EWS के लिए 1000 रुपीज़ रहेगी। SC ST फीमेल कैटेगरी के लिए 600 रुपये रहेगी। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपको बता दिया जाएगा, टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको बने रहना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे recruitment.nta.nic.in पर, और इस पर ही जाके आपको अप्लाई करना है। मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू जा सकते हैं, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अब ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो तो आप कर ही लेंगे, मैं और बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ उसमें कितनी सैलरी वगैरह रहेगी। अब देखिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको फ़ीस इसमें बता दी है, फिर दोबारा इसमें फ़ीस आ गई है। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की ये वैकेंसी है। पेज स्केल जो रहेगा 19,900 से 63,200 के बीच में रहेगा। 7th पे स्केल इसमें लागू होगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 विथ टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। टोटल 200 वैकेंसीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज में है। जनरल, SC ST OBC में 83, जनरल में है, SC में 29 है, 12 ST में है और OBC में 55 है। अब बाकी नेशनलिटी और सिटीजनशिप तो आपकी इसमें दे रखी है, सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, और ये आप देख सकते हैं, ये तो इंडिया के होंगे जाहिर सी बात है तो आप अप्लाई ही करेंगे। एज रिलैक्सेशन परमिशन एज पर द जो रूल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज़ के, वो इसमें भी लागू होगा। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप SC ST कैटेगरी में फॉलो करते हैं। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं, और रिटन एग्ज़ाम होने जाएगा इसका अलग अलग सिटीज़ में, और गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग रिटन एग्ज़ाम फॉर पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एवर 40% वाइड लेटर, 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए तभी वो आपकी डिसेबिलिटी में काउंट किया जाएगा। अच्छा, ये बाकी नीचे चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको ये कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या सिलेबस इसमें रहेगा। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और मैथमेटिक्स एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल में भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। ये बाकी इसमें आप देख सकते हैं अलजेब्रा जियोमेट्री सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन भी इसमें अटैच है, मेरे लिंक पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन। बाकी देखिए कौन कौन से इसमें क्या कहते हैं स्पोर्ट
से भी आप जा सकते हैं, और इसमें कुछ सर्टिफिकेशन दे रखे हैं डिसेबिलिटी का या कास्ट के कैटेगरी का, वो भी आपको फिल करके अपलोड करना होगा। देखिए कहाँ कहाँ ये इग्नूपा रिक्रूटमेंट टेस्ट होने जा रहा है, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये देखिए हर स्टेट में अलग अलग सिटीज़ में होने जा रहा है, वो आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, उसका कोड देख कर भर सकते हैं। बाकी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करके कर सकते हैं अप्लाई इसका पेमेंट, और हेल्पलाइन पे भी जा सकते हैं, अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो तो dgmcs.cc@sbi.co.in, मतलब पे करने में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो इसमें SBI के उस पर आप जाके कॉल कर सकते हैं। कोई कंसर्न अगर आपका हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच्ड हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस वैकेंसी से रिगार्डिंग तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।